हेलो फ्रेंड्स, लिनोवो फोरम ने लिनोवो K8 प्लस के लिए 5 सितंबर 2018 का सिक्योरिटी पैन लेवल का अपडेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उसमें आपको मिल जाते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपको यह नोटिफिकेशन देखना है तो उसके लिए आपको जाना है लिनोवो हेल्प ऐप पे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लिनोवो हेल्प ऐप को हम ओपन कर रहे हैं। तो अभी यह हो रहा है ओपन। तो इसको ओपन होने के बाद आपको यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा होगा, तो वहाँ पे आपको सर्च करना है लिनोवो K8+ न्यू अपडेट। तो यहाँ पे जैसा कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप 18/9/2018 का एक नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, तो उसी पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलेगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, दिस अपडेट इंक्लूड चेंजेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल देख सकते हैं, इंक्लूड द अपडेट ऑफ एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच अनटिल सितंबर 5, 2018। तो ये अपडेट जो है 5 सितंबर 2018 का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल हो जाएगा। तो अभी तक इसका अपडेट किसी को मिला नहीं है, हालांकि लिनोवो फोरम ने अभी इसे रोल आउट नहीं किया है। तो इसमें आपको स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि इंक्लूड चेंजेस दैट फिक्स बग्स एंड इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ योर फ़ोन। तो आपके इस अपडेट के बाद फ़ोन की स्टेबिलिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। और इसमें आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन मिलता है कि कैमरा इम्प्रूव किया गया है। तो यहाँ पे आपको मिलता है कैमरा इम्प्रूवमेंट, तो इंक्लूड चेंजेस दैट फिक्स बग्स टू इम्प्रूव द कैमरा। तो इसमें जो है कैमरे के बग्स फिक्स किए गए हैं, जिससे आपका कैमरा का बग ठीक हो चुका होगा। तो उसके लिए आपको कैमरे की क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है। तो देखते हैं यह अपडेट हमें कब OTA के थ्रू मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।